हेलो फ्रेंड्स, अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी के सिंपल तरीके से सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सब्जी बनाते हैं। कटा हुआ एक बाउल हमने फूल गोभी लिया है, एक आलू काट के रख ली हूँ। तड़के के लिए प्याज कटा हुआ है, हरी मिर्च कटा हुआ है, लहसुन अदरक इसमें, और एक टमाटर काट के रख ली हूँ। तब सबसे पहले मैं गोभी को हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के लिए हमने एक सॉस पैन लिया है, आप चाहे तो भगोने में भी इसे कर सकते हैं। मैं इसलिए बॉईल कर रही हूँ कि बारिश का मौसम है और इसमें छोटी छोटी सी इल्लियाँ होती है। वैसे मैं साफ़ सुथरे से काट के तो रख ली हूँ, अभी फिर भी हम थोड़ी सी इसे बॉईल कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है। जैसे गुनगुने पानी में हम डालते हैं उस तरह से हमें बॉईल करना है इसे। और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी हमने डाल लिया था, थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ इसमें, कि जो इसके जो डंठल है ना, थोड़ी सी बहुत कड़क होते हैं, थोड़ी नरम हो जाए इसे। मुझे 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसे मैं ढक देती हूँ। गोभी को बॉईल होने के लिए रख दी हूँ, तब तक मैं तड़के को तैयारी कर लेती हूँ सब्जी के लिए। तो हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा, इसे थोड़ी सी चटकने देती हूँ। कटा हुआ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखा है। मिर्ची को लंबे टुकड़े में काट लिया है। कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, इसे भी लंबे टुकड़े में हमने काट के रखा है। ये हल्का सा हमें गुलाबी कलर करना है इसमें, बिल्कुल ज़्यादा लाल नहीं भूनना है। फिर मैं इसमें आलू गोभी ऐड करूँगी। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, हमने गोभी को भी बॉईल करके रख लिया है और कटा हुआ आलू इसमें डाल रही हूँ और साथ में गोभी भी डालूँगी, क्योंकि सिंपल तरीके से हमें बनाना है। इसलिए ना ही हमने गोभी को तल के निकाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और साथ में मसाला भी मैं ऐड करूँगी इसमें। कटा हुआ टमाटर एक हमने काट के रख लिया था, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि गोभी में हमने डाल रखा है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है, इसका पाउडर हमने बना के रख लिया है। साथ में नमक भी डाल देती हूँ साथ में इसके स्वादानुसार। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं धीमे आंच पर, इसे 5 से 10 मिनट लगेगा बनने में और सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। आलू गोभी की सब्जी धीमे आंच पे हमें पकाना है, 5 से 10 मिनट लगेगा बनने में इसे। बिल्कुल हम इसमें पानी में नहीं डालूंगी, इसे ढक के और धीरे धीरे अच्छी तरह से इसे पकने देती हूँ, फिर सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है, सब्जी हमारे बन के तैयार हो गया है। देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल बिना पानी के मैं बनाई हूँ धीमे आंच पे। देखिए मैं आपको आलू काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल गए हैं। ये मैं एक कटोरे में निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप पराठे के साथ में इसे सर्व करें।